आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता? क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी? क्यों भारत फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कर्जदार है? नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल कभी भारत नहीं आई, लेकिन वो हमेशा भारत के अस्पतालों की रिपोर्ट देखती थी और सुझाव दिया करती थी। उनके सुझावों से बहुत अस्पतालों की तस्वीर बदली। फ्लोरेंस ने कभी शादी नहीं की, इसकी भी एक कहानी है। वो एक संपन्न परिवार से थी, या यूं कहें कि एक बहुत ही धनी परिवार से थी, लेकिन उन्होंने कभी एक लग्जरी भरी लाइफ को नहीं चुना। उन्होंने अपने लिए एक अलग ही रास्ता बनाया। आज उन्हीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। ये वही फ्लोरेंस हैं जिन्होंने दुनिया के नर्सिंग के बारे में बताया, उससे रूबरू करवाया, इसलिए आज के दिन को दुनिया इंटरनेशनल नर्स डे के तौर पर मनाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध के मैदान से चाहे घायलों को उठवाना हो या फिर उनको अस्पतालों से सेवा करने के लिए, देखरेख करने के लिए भेजना हो, इन कामों में फ्लोरेंस कभी पीछे नहीं रही। भारत के अस्पतालों और पानी की साफ सफाई पर उन्होंने बहुत जोर दिया। वो लगातार भारत के अस्पतालों की रिपोर्ट मंगवाती थी, इसके बाद उस पर अपने सुझाव देती थी। फ्लोरेंस की वजह से ही ब्रिटेन में नर्सिंग के पेशे और अस्पतालों का रंग रूप बदला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, इसी के चलते उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम मिला। वो एक ब्रिटेन के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। 22 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने नर्सिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन दिनों अच्छे घर की लड़कियां नर्स बनने के बारे में सोचती भी नहीं थी। उनका फैसला उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत में भी ब्रिटिश सैनिकों को सेहत को लेकर मिशन से जुड़ी थी। फ्लोरेंस का जोर भारत में साफ पानी की सप्लाई बढ़ाने पर भी था। फ्लोरेंस को भारत के हालात के बारे में 1906 तक रिपोर्ट भेजी जाती रही थी। इसमें उन्होंने बहुत कुछ सुधार भी कराया। इस लिहाज से भारत फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कर्जदार भी है। साल 1853 में क्रीमिया में युद्ध के दौरान नाइटिंगेल ने 38 नर्सों के साथ तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा की। जब वे मिलिट्री अस्पताल पहुंची तो उन्हें वहां फैली गंदगी दिखाई दी। गंदगी को देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने अस्पताल को साफ सुथरा करने की मन में ठान ली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की। विराट निधि सैनिकों की देखभाल करने में लगी रही। जब वे घायल सैनिकों की देखभाल के लिए रात में निकलती थी तो उनके हाथ में एक लालटेन होता था। इस कारण सैनिक उन्हें लेडी विद द लैम्प कहने लगे। जब क्रीमिया में युद्ध खत्म हुआ, नाइटिंगेल वापस लौटी तो लोग उन्हें इसी नाम से पहचानने लगे। फ्लोरेंस के काम की वजह से नर्सिंग के पेशे को काफी सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। अस्पतालों में साफ सफाई पर जोर दिया जाने लगा। फ्लोरेंस के लोग जानने लगे, हालांकि वो जितनी मेहनत कर रही थी उससे उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को एक बात समझाई कि लोग बीमारी के दौरान एक दूसरे के मददगार कैसे बन सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से महिलाओं को नर्सिंग के क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 90 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त 1910 को निधन हो गया। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।